हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, मेरी फैमिली भी अच्छी है। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और अभी सुबह के 8 बजे हैं, बच्चे स्कूल चले गए। मैं कल आ गई थी घर से और आज देखिए मौसम इतना अच्छा हो रहा है हरिद्वार का, मतलब रात से बारिश हो रही है, बहुत बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है। घर तो देखिए बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, लेकिन यहाँ आके बड़ा शांति मिली है गर्मी से। और आप बारिश देखिए, सबसे पहले तो देखिए मौसम, मतलब रात से बहुत अच्छी बारिश हो रही है। और नीचे पार्किंग में पूरा पानी पानी हो गया। और अभी कुछ देर पहले उस गाड़ी के नीचे एक सांप था, वो सांप उधर से घूमते 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 इधर हमारी गाड़ी के पास तक आया है। अब मुझे ये नहीं पता कि वो किस गाड़ी के नीचे छुप गया, क्योंकि देखिए पीछे इधर ये घास का एरिया है, तो क्या पता उधर से आ गया होगा इधर से। लेकिन देखिए डर लगता है, इधर बच्चे पीछे खेलने के लिए आते हैं और गाड़ी भी खड़ी करते हैं। सुबह सुबह तो मैंने आलू के पराठे बनाए थे बच्चों के लिए नाश्ते में, और ये दोपहर का लंच की तैयारी है भिंडी, और ये जामुन खा रहे बैठे हुए। सुबह चाय पीने के बाद इन्हें जामुन मिली खाने के लिए। जी, मुझे आपके साथ एक बात शेयर करनी थी कि मेरी वीडियो इतनी टाइम से क्यों नहीं आ रही थी। तो उसकी वजह यह है कि मेरा फ़ोन बच्चों ने ख़राब कर दिया था। मैं घर पे थी तो बच्चों ने गिरा दिया था फ़ोन, तो बड़ा प्रॉब्लम हो गई, तो ख़राब हो गया था। इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई वहाँ पे ज़्यादातर घर पे। तो कल ही आई हूँ तो अपना फ़ोन सही कराऊँगी। आज की वीडियो की शूट मैं इनके फ़ोन से कर रही हूँ। तो यही प्रॉब्लम थी कि घर पर मतलब वीडियो नहीं शूट कर पाई, और काफ़ी गैप हो गया मुझे। आज लंच में बनाऊंगी भिंडी की सब्जी, तो उसी की तैयारी कर रही हूँ, फिर उसके बाद झाड़ू पोछा करूँगी। क्या कर रहे? स्प्रे से पत्ते धुल रहा हूँ। क्योंकि ये भी एक महीने नहीं 20 दिन से ये भी गाँव गए हुए थे और मैं अपनी घर गई हुई थी। सिर्फ मैं बस पानी देने के लिए आता था कभी कभी। हाँ, जब ऑफिस आते थे तो बस पानी देने के लिए आते थे यहाँ पे पेड़ में। और जी ये देखिए हमारे पौधों की हालत कैसी हो गई है। अब राजिता ने बेल छोड़ दी है, तब देखिए पहले देखा होगा आपने, छोटी सी थी, अब तो काफ़ी बड़ी बेल होगी। ये देखिए इसे कुछ लगा दो ताकि ये ऊपर तक बांध दो इसे, ये तो ऊपर चली जाएगी। और दोनों जीनिया सूख गए, दोनों जीनिया सूख गए ना। और सब पौधे तो खैर अच्छे हैं। और इसको पता नहीं क्या हो रहा है, ये भी अच्छे से नहीं चल रहा, एक भी इसमें नया पत्ता नहीं आया अभी तक। एक महीने से ज़्यादा हो गया इसको लाए हुए, है ना, इसमें अब तक एक भी नया पत्ता नहीं आया। आप ये कर रहे हैं, मैं पोछा लगा लूँ? मैं मना कर रहा हूँ। मना तो आप कुछ भी नहीं करते। देखिए क्या कह रहे हैं कि मैं मना नहीं करता। मना तो ये कुछ भी नहीं करते भाई, कुछ काम करने लिए मना थोड़े ना करेंगे। काम तो मुझे ही करना है ना। तो फ्रेंड्स, अब मैं बना रही हूँ दोपहर का खाना, और खाने में आज मैं बना रही हूँ भिंडी। नॉर्मल भिंडी बनाती हूँ, जैसे मतलब ऐसे बनाते हैं सभी भिंडी, मैं भी ऐसे ही बनाती हूँ नॉर्मल भिंडी। देखो बारिश बंद होने के बाद सुंदर पहाड़ दिखाई दे रहे हैं सामने, ऐसा लग रहा है जैसे मतलब बादल पहाड़ में से निकल रहे हैं। देखो कितना सुंदर लग रहा है।
ये देखो हालत देख लो इसकी, इस बच्चे की ऐसे कोई बैग लगा के आता है? तो सारे सारे बैग का काम थक गए थे क्या? राघव का बैग बहुत ज्यादा हैवी है तो राघव ऐसे सामने लगा के आता है। राघव की छुट्टी हो जाती है 1:15 बजे करीब, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो वे थोड़ा सा पहले छोड़ देते हैं। चेंज गोल में हां फिर खाना खा लेंगे। सरप्राइज टेस्ट हुआ। राइटिंग अच्छी करनी थी, लेफ्ट वाले की थी ये वाली जो मैंने अभी बताई, जो हमारी थी वो थी पेपर कार्ड ड्राइंग बनानी थी और उसकी आज एक्टिविटी थी। मैं तो ब्लू था, जो ब्लू था वो ऐसे रंग के गए थे, जो ग्रीन थे वो ग्रीन, जो रेड थे वो रेड, ऋत्विक ग्रीन में था और आज हाउस डे था इनका। किसे मिलने गए थे ऊपर? मैया ऊपर नहीं, ग्राउंड फ्लोर पे जहाँ पे नर्सरी है ना वहाँ पे भैया से क्यों मिलने गए थे? रोज तो घर पे नहीं मिलते तुम अपने भैया से? क्या राघव जब स्कूल से आता है ना जितनी एक्टिविटी होती है सारी बातें मुझे बताता है आके, आज ये किया उसने, ये किया इसने, ये किया, पूरी बातें बताता है आके। पता है ईवीएस के में ना हमने बहुत सारे एनिमल्स के वो देखे जो ग्राउंड पे रहते हैं, जैसे रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स एनिमल्स। और चेंज कर लो, चलो खाना खा लो फिर बता देना मुझे सारी बातें। मैं लंच बॉक्स निकाल ला है। देखो वो अपना काम खुद करता है, लंच बॉक्स निकाल लिया उसने, पानी की बोतल भी बाबूजी के लंच बॉक्स मम्मी निकाल लेगी। और देखिए जी भिंडी बनाई थी, अक्षत ने मना कर दिया खाना खाने के लिए, मुझे भिंडी नहीं खानी। अगर मैं आलू टमाटर बना लेती ना तो वो आराम से खाना खा लेता। तो फ्रेंड्स देखिए शाम का टाइम हुआ है और मौसम देखिए कितना अच्छा हो रहा है। वैसे तो सुबह तो बारिश हो रही थी लेकिन दोपहर में बारिश बंद हो गई थी और पहाड़ देखिए सामने कितना सुंदर दिखाई दे रहे हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मतलब शाम के टाइम का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। और बच्चे गए हुए हैं खेलने के लिए। और ये देखिए मैंने ना ये बनाए थे, मतलब मेरा मन करता रहता है छोटे छोटे क्राफ्ट बनाने के लिए, तो मैंने ये एलिफेंट बनाए थे। वैसे तो मैंने ये 3 बनाए थे, एक ब्लू कलर का था बड़ा, इससे बड़ा था वो, पता नहीं बच्चों ने मतलब ऐसे ही वेस्ट कर दिया उसे, वेस्ट क्या बोलूँ, उसे फाड़ दिया बच्चों ने। मुझे ना छोटे छोटे इस तरह के क्राफ्ट बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब जो मैं खाली रहती हूँ तो थोड़ा बहुत बना लेती हूँ। इससे ना मुझे भी सीखने को मिलता है और बच्चों को भी मैं सिखा सकती हूँ ऐसे। तो जी शाम का टाइम हुआ है और अब चाय पीने का मन हो रहा है, तो चलो किचन में चलते हैं अपने लिए बनाते हैं पहले चाय। आपको बताऊँ तो मुझे शाम की चाय पीना बहुत अच्छा लगता है, मतलब सुबह को भी मुझे चाय जरूर चाहिए और शाम को भी मुझे जरूर चाय चाहिए, मुझे चाय बहुत अच्छी लगती है। मतलब ये नहीं मैटर करता कि गर्मी हो रही है या कुछ भी है, बस चाय चाहिए तो चाहिए। कभी कभी ये हंस देते हैं कि तुम्हारा तो वो हालत है नेहा कि जैसे गाड़ी पेट्रोल के बिना नहीं चलती तो तुम भी चाय के बिना नहीं चलती हो। तो मैं भी कह देती हूँ, मैंने कहा हाँ यही सोच लो कि मैं कि वो मेरे लिए पेट्रोल ही है। ऐसे ही मजाक में अपनी ज़िंदगी कट जाती है और क्या, या और तो कोई है नहीं जिसके साथ मैं हंसूँ बोलूँ या कुछ भी करूँ, तो आपस में हम बातचीत करते रहते हैं, ऐसे मजाक करते रहते हैं। अभी तो ऑफिस गए हुए हैं, मैं अकेली हूँ, शाम की चाय तो ज़्यादातर मुझे अकेली पीनी पड़ती है। नहीं वैसे तो सुबह की चाय हम दोनों इकट्ठा ही पीते हैं और ये मुझे बहुत अच्छी आदत लगती है उनकी कि वो सुबह की चाय हमेशा मेरे साथ बैठ के पीते हैं। हम बातें करते हैं पूरा दिन की अपनी कि आज हमें क्या करना है,
और करनी भी चाहिए सभी को, हस्बैंड वाइफ को। अगर आप मतलब पूरा दिन में एक टाइम ऐसा जरूर निकालिए कि आप अपनी वाइफ के साथ बैठ के मतलब बात करिए, पूरा दिन में आप क्या करोगे वो भी डिसाइड कीजिए, बच्चे क्या कर रहे हैं उनसे पूछिए, क्योंकि पूरा दिन तो देखिए किसी के भी हस्बैंड घर में नहीं रहते, मतलब रहते भी हैं बहुत सारे ये है, लेकिन इतना तो देखिए होना चाहिए आपस में कि भाई अपना बैठो बात करो, उनसे पूछो कि उन्हें क्या चाहिए, आप बताओ कि मुझे क्या चाहिए, मतलब होना चाहिए इस तरह का। मुझे लगता है कि ऐसे बातचीत अच्छी रहती है एक हस्बैंड वाइफ के बीच में। तो जी चाय हमारी बन गई है, तो चाय का मुझे बालकनी में बैठ के लेते हैं, हवा चल रही है अच्छी। कहीं पहाड़ में तो नहीं जा सकते लेकिन यही पहाड़ का मज़ा लेते हुए चाय का आनंद, अपना ही मज़ा होता है। देखिए मतलब पहाड़ में रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब अगर मैं कहीं पहाड़ में रहती तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं प्लेन से हूँ और शायद पहाड़ वाले लोग ये सोचते हों कि हम प्लेन में रहें तो अच्छा लगे, लेकिन मेरी इच्छा है एक बार पहाड़ में जाने के लिए, रात गुजारने की, वहाँ कैसा होता है बड़ा अच्छा लगेगा। पता नहीं कब मौका मिलेगा, लेकिन सोचती हूँ जल्दी जाएंगे। फ्रेंड्स अब टाइम हो गया है वीडियो को एंड करने का। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, प्लीज़ इसे इग्नोर करें। और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।